फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। ओ जादू है रे जादू, तेरी बातों में सुनी सुनी काली काली रातों में। तब वो बड़ी दिन बड़ी पकौड़ों भी छो, तब खलौड़ों भी छो देगी, तब भांडा भी धोने सब देनी, तब मैं थकान हो गया। आप लोगों ने सुनो, मैं जो देख ले पिले के साढ़े दस हो गए, लंच भी बनाया, डिनर भी बनाया, सब करा आज मम्मी ने, बहू ने कुछ नहीं करा। आंटी सब कार्ड देनी हूँ, टेंशन ले आ रहा हूँ, सब कार्ड देनी हूँ, अबर अबर बस बड़े रख। क्या लेना गिफ्ट मिलेगा इसका? गिफ्ट मिलेगा कि मम्मी सबके लिए फिर से खाना बनाएगी। सब सुनो, और एक अच्छी बात ये भी है, मम्मी बोल रही है कि वैसे तो पर वीडियो बनाते रहते हो, और जब आज मैंने पर काम किया, खाना बनाया, तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई, नहीं इसने बनाई, नहीं ये ब्लॉगर बैठे हैं। आंटी कैसे बोलने कि आज काम पे रजे, और दिन आंटी काम। ओ भाई भाई, ये तो आग लगा रहे हैं भयंकर, ये तो माँ जी, ये तो पूरी आग में घीड़ा है घी। जब खर्चा करा है ना, पैसे पैसे में लगवाई है ना, खर्चा करा है, और तब थोड़ा रुकना तो चाहिए, थोड़ा टिकना। आंटी पहले लोग तो रखते ही नहीं थे भाई, ये तो गेम खेल रहा है लाल वाली टी शर्ट वाला बंदा यार भाई भाई, इनकी वो इन फ्यूचर आपकी जब कुआरी आएगी, हम भी सेम करेंगे, तब हम भी सेम करेंगे भाई साहब। इन दोनों की जोड़ी बन गई है, और ये मेरा रखवाला आ गया कोई। हाँ, पति की भी सेवा करी, सास ससुर की भी, तब बुआरी की भी सेवा हो रही है। अतः बुआरी बना क्या आज का नाम काम बेटा, ये जितना ये बोल रहा है ना, इसको मैं शादी के बाद देखता हूँ कैसा होता है बदलते बेटा, ये जो तुम कह रहे हो ना ऐसा वैसा। हाँ अभी तो शादी नहीं हो रही भाई, अभी तो लड़कियाँ नहीं मिल रही, अभी ऐसे देख के तो और मना कर देंगी वो। ये पता क्यों दे रहा है, ये पता ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि अब आंटी जी ढूंढेंगे बोल। अरे मम्मी ने बोला है कि मैं लड़की ढूंढूंगी आशु के लिए, तो देखते हैं अभी। बताओ मम्मी को टेंशन हो रही ज्यादा। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो था। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज है गाने का रिलीज और प्रीमियर विल बिगिन शॉर्टली, तो थंबनेल वगैरह सब कुछ डल चुका है, बस 9 बजते ही जो है वो गाना जो है रिलीज हो जाएगा। ओह माय गॉड, 8 7 6 5 3 2 1 लीजिए भाई, जो है गाना रिलीज हो चुका है यूट्यूब में, बेहतरीन। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, एंट्री हो गई है। गाने का नाम है तुम भगयान, मेरा भाई जी गजब भाई, लगो भाई का गाना आ चुका अपने दोनों भाइयों का। गाना बहुत बढ़िया गान छ, और इमोशनल गान छ, पहाड़ी लोगों तो एक याद दिलाऊं जो मतलब
प्रदेश में छे तो इन याद लो कि हाँ भाई वाकई में जो हमार जो सांस्कृतिक विरासत चा रहन चा है नी गाँव गाँव की जो याद छे पुरानी याद छे ये गाना बता जो होना बिल्कुल और अच्छा म्यूजिक चा और गाना भी बहुत बढ़िया चा और सभी कलाकारों की अच्छा हुआ मा योगदान योगदान दिया गाना कैसा लगा बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बोल रहा है कह रहा है कि आंटी जी और पाड़ी भाई जी आपको लेंगे गाने में और आप दोनों की स्टोरी रहेगी उसमें तैयार हो गाने गाने में आने के लिए सोचो अरे नहीं सोचो रील से गाने तक का सफर वाह और अभी अगर कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है अगर देख रहा है इसको तो मम्मी तैयार है काम करने के लिए गढ़वाली स्टोरी अच्छी होनी चाहिए माँ बेटे पे बना दो कोई दिक्कत नहीं हम रेडी हैं तैयार ज्यादा फीस नहीं लेते हम यार ये गाना भजन वो चला भजन दस है ना तो हम भाई सारे मतलब हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो सारे अपनी नौकरी चाकरी तो बाहर गए हैं पर लेकिन गांव में कोई ना कोई त्योहार एक बार साल भर में एक बार मनाना चाहिए मतलब है न कि कम से कम एक साल कोई त्योहार मना दूसरे साल कोई दूसरा त्योहार मना तीन घड़ी मतलब एक मतलब आने जाने हो जाना और त्यौहार ही मने जाना और तुम्हारे घर की मतलब यादें भी जो ताज़ा हो जाए मतलब आप सभी कलाकारों थे जो कि जो ये टीम जो भाग लेना चाहे कई भी रूप में बड़ा भाग लेना चाहे वो तो बहुत बहुत शुभकामना और आप लोग अगले इन्हें काम कर जाना ये मेरी शुभकामना है धन्यवाद तो यार आज होने वाला है पूरा करवा चौथ का ब्लॉग और आप सभी को प्राची और मेरी तरफ से जो है करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा तो पहला करवा चौथ है ये और ऐसे ही बहुत सारे कपल्स का पहला करवा चौथ भी होगा yes. तो कैसा लग रहा है आज बिना खाए पिए और निर्जल जो है वो फास्ट रखने में कैसा लग रहा है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यही मैं प्रे करती हूँ कि भगवान मेरे पति को बहुत लंबी उम्र दे और हमारा प्यार बनाए रखे बिल्कुल ऐसे ही हम कई जन्मों तक साथ में रहे हमारा तो ये पहला करवा चौथ है और वैसे जैसे जो है वैसे पहाड़ में जो है वो करवा चौथ नहीं मनाते हैं मतलब हमारे पहाड़ियों में रिवाज ही नहीं है ऐसे ये किसी और का रिवाज है पर राजस्थान में मनाते हैं वैसे आपके रिवाज में है हाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है करवा चौथ बिकॉज कल्चर कोई भी हो बट इट्स फॉर हस्बैंड ओनली कि वो पति की लंबी उम्र के लिए फास्ट है तो बहुत मतलब इसके रिचुअल्स करने में भी बहुत मजा आता है और बहुत एक्साइटेड होता है तो इसलिए करना चाहिए अगर किसी और कल्चर की कुछ चीजें अच्छी होती है जो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है तो हमें भी करनी चाहिए बिल्कुल और क्रॉस कल्चर का यही मतलब है कि आप दोनों दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट करो और कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति जो है वो लंबी उम्र के लिए जिए कुछ हो सकती है जो चाह रही होंगी ये निपट जाए एक आध दिन में बस ये और आज ही जो है मेरा गाना रिलीज हुआ है ओ ये बहुत ही अच्छी न्यूज थी कि आज ही करवा चौथ है और आज सॉन्ग रिलीज हुआ है जो कि राजस्थान में भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है मेरी सारी फैमिली को बहुत पसंद आया बहुत ही इमोशनल और कनेक्टेड सॉन्ग है फ्यूजन 2GB के यूट्यूब चैनल पे जाइए जाके कमेंट कीजिए गाना देखिए सपोर्ट कीजिए अच्छा लगता तो शेयर भी कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए तो अभी आ गए हम लोग मंदिर में सोसाइटी के तो दर्शन करेंगे भगवान के उसके बाद देखो भाई हम लोग कुछ सामान वामान लेने बाहर आए थे और इसको देखो भाई ये भाई साहब इंदिरापुरम में घूम रहे हैं और किससे मिलने गया था पता है किससे मिलने गया था पता सब पता है भाई हमको सब पता है ये दिल्ली आया इसीलिए है कि इसको दो तीन लड़कियों से मिलना था और देखो ये देखो कितना अभी अभी खुश होके आ रखा बिल्कुल मतलब ना लड़की से मिलके बड़ा खुश हो रहा है रहने दे भाई तेरे तो बुआ चाचा था वो हर जगह फैले हुए तेरे हर दिल्ली NCR में मेरे व्लॉग में देख लेना दोस्तों जिनको यकीन नहीं आता तो मेरे को तो पूरा यकीन है भाई ये पक्की बात है ये लड़की से ही मिलने गया था हमसे मिलने थोड़ा आया गया दिल्ली में बोलेगा ऐसे कि नहीं भाई आपसे मिलने आया था मैं तो जो रिश्ता पक्का करेगा उसी को एंगेजमेंट में बुलाया जाएगा अरे भाई साहब ये बात हुई ना करना चाहता क्या है भाई ओह माय गॉड हल्का गजरा ले लिया भाई जी गजरा मेरे लिए आपको मुझे देना अच्छा है
सही में ये शगुन का होता है। अरे यार मुझे तो मैंने तुमने बताया नहीं ऐसा देना होता है, खुद ही ले आई तुम तो। चलो ठीक है, तो अभी आ चुके हैं घर और अभी 3:30-4 बजे के आसपास एक पूजा होती है, तो वो पूजा अभी कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो है जो बाकी का प्रोसीजर है वो कंटिन्यू रहेगा, जैसे आपका खाना वाना ये लोग तैयार व्यार होंगे, उसके बाद चांद वांद निकलेगा, जो भी प्रोसीजर रहता है करवा चौथ का। जो है वो प्राची तैयार हो रही है और प्राची ने पहना हुआ है अपनी शादी का लहंगा। अभी दूसरे घर में पूजा है, पूजा करने के बाद छोटा मोटा शूट भी करेंगे हम लोग अभी, तो तब आपको दिखाएंगे ये लोग कैसे तैयार होके रेडी हो रखे। इसको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, ये तितर बितर कर रहा है सबको, सबको बुला रहा है, बालों में अलग से कंघी मारी है इसने, हाँ अलग से जुल्फे निकाली है। कुछ नहीं हो रहा भाई, करवा चौथ है भाई, तेरे में टाइम है, बहुत टाइम है अभी। तो अभी जो है वो पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यानी कि 3:30-4 बजे के आसपास एक छोटी सी पूजा होती है और उस पूजा के बाद जो है वो पत्नियों को अलाउड होता है कि वो पानी के अलावा कुछ और पी सकती है, जैसे चाय का मन है उनका, नारियल पानी पीने का मन है, कॉफी पीने का मन है, तो उसके बाद वो ग्रहण कर सकती हैं। चाय बननी चाहिए, कौन बनाएगा चाय? चलो भाई बना देगा चाय, चलो बढ़िया, ठीक है। छुप गया भाई, छुप गया बंदा, छुप गया बंदा, छुप गया। चाय बना दी बढ़िया से, एक फर्स्ट क्लास है, चाय बनाएंगे हम, कड़क चाय बनाइए बिल्कुल है, चलो दूध वाली चाय। और एक हमारे बीच में मेहमान देखिए, इनको देखिए भाई साहब को, ये पूरे रीति रिवाजों को सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो दैट यू नो आना चाहिए, नहीं आएंगे तो। और मैं पहले से ट्रेन हो रहा हूँ बिल्कुल। पूजा के बाद जो है पहली चाय का चस्का जो है वो यहाँ पे ले चुके हैं। पानी तो पानी होता है भाई, जबरदस्त पानी प्याज हो, जबरदस्त प्याज नहीं जान, सही बात। लेकिन जब चाय भी मिनी चाय भी बोलू की चाय पी सक जाते, तब अब वो वाल बात है ना, भूख भूख मिटी की भोजन समझनी चाहिए, तुम ले सको ये मेरो भूख मिटी की भोजन मिट, जब भूख लगी रहो पर तुम जन भी दे रहे खानो की ना। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया सपना देखा जो तुमने। लहंगा पहन के रखा हुआ है, बहुत हैवी लहंगा है भाई, खतरनाक। ये देखिए भाई, सारी आंटियां जो हैं, करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। सब लोग तैयार हो रखे हैं, सब बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़िया से अभी जो है बिल्कुल बिल्कुल, सारी जो मम्मी की फ्रेंड्स हैं सब लोग जो है पार्क में आ रखे हैं, और यहाँ पे आज होगा करवा चौथ का मेला और फोटो शूट होगा बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया बढ़िया फोटोज क्लिक कराएंगे, आपको दिखाते हैं इस मूवमेंट की कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। बिल्कुल आज आप सभी लोग बहुत प्यारे लग रहे हो, और बहुत नथुली गुलाबन, बहुत बढ़िया बढ़िया पिछोड़िया आपने पहन रखी है, यह प्राची की पहली करवा चौथ है। जी जी जी, पूरा द्वार बाटी, हाँ अच्छा द्वार बाट हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को बताना है उसको पहला करवा चौथ है, हम दोनों का पूरा ट्रेनिंग देना आपको ना, 1 साल तक। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं
कैसे हो पार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराएं, पल पल दिल मेरा तरसे, पल पल तुम याद आए, चलने लगी है हवाएं। यहाँ पे जो है वो शुरुआत हो चुकी है शाम का खाना बनाने की, और यहाँ पे जो है पूड़ियाँ टलना स्टार्ट हो गया है, और इस पूरे मुहिम का जो है वो बीड़ा उठाया है मम्मी ने। है मम्मी, क्या क्या है आज उसमें डिनर में? क्या है? पनीर की सब्जी है, खीर है, पूरी है। तो बढ़िया से जो है वो डिनर की तैयारी हो चुकी है। और चांद जो है वो कितने बजे तक आएगा मम्मी? चांद तो 8:30 बजे तक का चांद है। तो जैसे ही चांद आता है सीधा छत पे चलेंगे, पूजा करेंगे और व्रत खोलेंगे, और उसके बाद जो है बढ़िया से जो है वो अपना डिनर करेंगे। अभी मैं आया था छत पे और यहाँ देखो चांद आ चुका है, थोड़ा पीछे है लेकिन आ चुका है, साफ दिख रहा है। तो दोनों ही जो है वो अब तैयारियाँ शुरू कर दी हैं करवा चौथ की रसम जो होती है, और अभी फटाफट जो है वो चांद बिल्कुल दोनों के बिल्कुल बीच में दिख रहा है चांद, देखो सामने क्लियर। क्या रंग लाई मेरी दुआ, ये इश्क न जाने कैसे हुआ, बेचैनियों में चैन न जाने क्यों आने लगा, तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। पहला करवा चौथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट करने के लिए, सफल रहा। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चैनो करा दिल को मिला, जब भी रहूं संग तेरे भूलूं हर गम शिकवा गे। ये लीजिए आपके पति की तरफ से जो है आपको छोटी सी भेंट है, उसको स्वीकार करें और घर के ही कामों के खर्चों में लगाएं। ओके ठीक है, कैसा रहा फिर करवा चौथ पहला? बहुत ही अच्छा। थोड़ी तकलीफ हुई कि निर्जल? पहली बार था इसलिए मतलब लगा ऐसा, भूख भूख तो लगी नहीं और अब प्यास नहीं लग रही। अब वो वापस जोन वैसा बन गया है कि ठीक है हम रह सकते हैं, बस वो एक दिन के टाइम में थोड़ा लगा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। चलिए फिर अब अच्छे से खाना इंजॉय करते हैं और इस करवा चौथ के दिन को सफल सेलिब्रेट करते हैं और सफल बनाते हैं।